Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine My name is Iqra Khan and I am your lecturer. I am from Lims Legend Institute of Management and Sciences from Multan This is the department is BS English third semester Subject is pho phonetics and phonology टुडे इज़ आवर टॉपिक अबाउट फनीटिक्स एंड इट्स टाइप्स एंड फनीटिक्स अल्फ़ाबेट्स। आज की हम अपने इस टॉपिक में या आज के हम अपने इस लेक्चर में जो है वो जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एक डिटेलिंग टॉपिक है जो कि है फनीटिक्स के बारे में और उसकी टाइप्स और अल्फ़ाबैटिक फनीटिक्स के बारे में कि जो फनीटिक्स के अल्फ़ाबैट्स हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं उनको हम किस तरह से लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ जो कि है फ़ोनेटिक्स उसके टाइप्स और उसके अल्फाबेट्स। जी हम देख रहे हैं यहाँ पर फ़ोनेटिक्स को कि फ़ोनेटिक्स क्या है तो फ़ोनेटिक्स को देख लेते हैं इमेजिन अ रेस्टोरेंट मैनेजर हु हैज़ ऑलवेज हैड ट्रबल विद द स्पेलिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड प्लेस एंड एडवरटीजमेंट्स फॉर अ न्यू s-e-a-g-h -A, check you see the advertisement advertisement and your conclusion leads you to ask how he came to from his unfamiliar word okay it's very simple he says take the first sound of the word s-u-r-e okay sure the middle sound of the word dead And the final sound of the word laugh. ठीक है यू विल ऑफकोर्स रिकोगनाइज फॉर्म कन्वेज द प्रोनासिएशन यूल एसोसिएटेड विद द वर्ड शेफ ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है These late, लेट unlikely, एवर अनलाइकली मे सर्व एज रिमाइंडर साउंड ठीक है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है फोनेटिक्स की इसमें जी यहाँ से हम देखते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फोनेटिक्स को फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो फोनेटिक्स है वो स्पीच साउंड्स की स्टडी है जो भी हम साउंड्स यूज़ कर रहे होते हैं अल्फ़ाबेट्स उनके साउंड के ऊपर स्टडी होती है वो फोनेटिक्स है विच विच आर नॉन मोर टेक्निकली एज़ फोन्स ठीक है अ होल चेन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग मीनिंग बाय साउंड ये तमाम वर्ड्स या जितने भी साउंडस हैं ये एक चेन बनी हुई है ठीक है इसकी और ये तमाम एक्टिविटीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या कहलाती हैं साउंड की कम्युनिकेटिंग मीनिंग यानी हम साउंडस को देखते हैं उनके मीनिंग्स को कम्युनिकेटिंग मीनिंग्स को देख रहे होते हैं कि जितने भी अल्फ़ाबैट्स दिए हुए हैं वो किस तरह से वेरीफिकेशनस बनाते हैं डिफरेंट साउंडस की यानी एक ही साउंड एक ही जो अल्फ़ाबेट है वो हमें कितने साउंड्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक वर्ड है ए ए हमें एप्पल का साउंड दे रहा है ए हमें एरो का साउंड दे रहा है ए हमें आम का साउंड दे रहा है ए हमें एट का और ए हमें ऑल का साउंड दे रहा है ओ ए आ ए ए इस तरह से ये डिफ़रेंट साउंड्स जो हैं ये क्या है ये है एलोमोस यानी साउंड्स की वैरायटी जो कि हम फ़ोनेटिक्स में ही पढ़ते हैं फ़ोनीम्स के बाद अच्छा फ़ोनीम्स क्या होता है एक मिनिमल यूनिट होता है फ़ोनेटिक्स का जो कि साउंड को डिस्कस कर रहा होता है एक सिंगल साउंड को सिंगल अल्फ़ाबेट के सिंगल साउंड को अच्छा फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्पीकर्स इन कोड मीनिंग ऑफ एट साउंड्स विच ही और शी प्रोड्यूस यूजिंग द टंग लिप्स एंड अदर और कोलेटरी ऑर्गन्स अच्छा अब जब हम कोई भी यानी इसमें उन्होंने एग्जांपल ली कि सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हमारे पास है एक स्पीकर जो कि मीनिंग्स को जो है वो इनकोड कर रहा है साउंड्स के साथ यानी वो बोल रहा है वी शी और शी यानी वो जो भी है लड़की या लड़का जो भी है प्रोड्यूस्ड यूजिंग द टंग अब वो जब साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर ज़ाहरी सी बात है कि उनके जो आर्टिकुलेट करेंगे अपने ऑर्गन्स के साथ तो वो ऑर्गन्स जो हैं वो होंगे टंग और लिप्स ठीक है अब इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गन्स आ सकते हैं इसमें आपके पास जो है वो टीथ्स भी आ सकते हैं आपकी टंग भी आ सकती है लिप्स आ सकते हैं और आपका जो है वो नेजल साउंड्स हैं जिस तरह उसमें नोज आ सकती है डिफरेंट लेकिन अब उन्होंने बात की है टंग एंड लिप की जस्ट सिंपली ठीक है एंड अदर उन्होंने बोला साथ के और अदर इसके अलावा दूसरे आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स भी यूज़ हो सकते हैं दीज साउंड आर ट्रांसमिटेड ये साउंड जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रो द एयर ऑफ रीच द हेयर यानी जो सुनने वाला है वो अगर आपके पास यानी एयर आपके साउंड के साथ थ्रू हो रही है यानी हवा का गुज़र हो रहा है हवा आपको प्रॉपर एक मिल रही है एयर तो ही वो साउंड जो हैं वो ट्रांसमिट होंगे और वह सुनने वाले तक पहुँच सकेंगे हवा के जरिए ठीक है दैन द हेयर परसीव दैम थ्रो ऑडिट्री प्रोसेस फिर वो उसको एक सेंसेशन यानी हेयर सेंसेशन के साथ सुनेगा फाइनली ट्रांसलेटिंग दैम बैक इंटू मीनिंग फिर उसको जो है वो समझ आएगी कि जो वर्ड उसने अभी सुने हैं उनका क्या मीनिंग है यानी ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है देयर आर देयर फॉर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ स्पीच साउंडस अब स्पीच साउंड की स्टडी के लिए यहाँ पर थ्री एस्पेक्ट्स हैं यानी थ्री टाइप्स हैं फोनीटिक्स की अब जब हम देखते हैं कि फ़ोनेटिक्स की हमारे पास थ्री टाइप्स आ गई हैं उनके नेम्स और उनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स। एग्जांपल यहाँ मेंशन ना भी हैं तो वो मैं आपको खुद बता दूंगी अब देखिए आर्टिकुलेटरी फ़ोनेटिक्स। जब आप इसको समझ लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आर्टिकुलेटरी फिनीटिक्स क्या है विच इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंडस आर मेड और आर्टिकुलेटेड आर्टिकुलेट होता है कि वो किस तरह से आप बोल रहे हैं ठीक है हाउ कैसे जो है वो स्पीच साउंड्स को आप बना रहे हैं बोलने के लिए ठीक है ये होती है आर्टिकुलेटरी फनेटिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक वर्ड बोलना है कि यहाँ आ जाएं, तो मैं उसको कैसे बताऊँगी मतलब मैं सोच सो उसी टाइम जो है वो मैं उसको बुलाने के लिए बहुत सारे साउंड्स क्रिएट करना जो है वो स्टार्ट करूँगी यानी बहुत सारे और सेंटेंसेस या फ्रेजेस को मैं यूज़ करूँगी कम हेयर यहाँ आओ इधर आ जाओ यहाँ बैठ जाओ आ, या फिर कुछ भी इसके अलावा ठीक है अकॉस्टिक फोनेटिक्स में क्या है विच इज़ स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंडस आर ट्रांसमिटेड कि किस तरह से आपके जो स्पीच साउंडस हैं वो दूसरे तक पहुँचते हैं विद द थ्रू ऑफ एयर ठीक है डील्स विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच एज साउंड वेव्स इन द एयर यानी हवा की मौजूदगी में वो साउंड वेव करते हुए जो हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं हेयर तक यानी जो सुनने वाला है जो परसीव करेगा आपकी बात को पहले आपकी जस्ट एक साउंड यानी मीनिंगलेस साउंड उस तक पहुँचेंगे फिर वो जो हेरर होगा उनको जो है वो उसको ट्रांसलेट करके माइंड उसका जो ब्रेन है वो उसको बता देगा कि ये बात उसने सुनी है और उसका मीनिंग ये है सच एस इंटेंसली फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन इंटेंसिटी यानी उसमें एक इंटेंसिटी है और एक फ्रिक्वेंसी है और ड्यूरेशन उसका क्या है कितनी लंबी बात है लास्ट वन है ऑडिटरी फोनेटिक्स ठीक है ये थ्री टाइप्स हैं आर्टिकुलेटरी ऑकॉस्टिक्स एंड ऑडिटरी अच्छा अब आर्टिकुलेटरी में भी आपको पता चल गया कि कैसे साउंड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं कैसे जो बात जो है वो की जाती है इसमें बोलना है और इसमें सुनने वाले के लिए जो है और इसमें ऑडिटरी फोनेटिक्स में देख लेते हैं कि क्या है जी ऑडिटरी फोनेटिक्स और, और परसेप्चुअल विच इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर हेयर डील्स विद द परसेप्शन एयर ऑफ स्पीच साउंड्स ऑडिटरी यानी टिक में था कि किस तरह से पहुंचाए जाते हैं हेयर तक और ये है कि किस तरह से सुना जाता है ऑडिटरी फोनेटिक्स में ठीक है स्पीच साउंड्स को परसीव कैसे किया जाता है एयर तक आगे हम देख लेते हैं फोनेटिक्स अल्फाबेट्स को कि वो क्या है स्पेलिंग्स और ऑर्थोग्राफी डज नॉट कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंट टू द साउंड ऑफ लैंग्वेज स्पेलिंग्स और ऑर्थोग्राफी ऑफ वर्ड्स इज मिसलीडिंग स्पेशली इन इंग्लिश वन साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ लेटर्स यानी अब इंग्लिश में अगर हम अल्फाबेट्स को देखें तो वो टोटली चेंज हैं जबकि अगर हम इसको फनीटिक्स में देखें एज आ फनीटिक्स तो ये उसमें टोटली totally चेंज है तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में भी इनका कॉन्सेप्ट रॉन्ग है जो वो कहते हैं कि एक ही साउंड है जो वो एक एक ही अल्फ़ाबेट का एक ही साउंड है ऐसा नहीं होता हम इंग्लिश में यही पढ़ते हैं ना ए है ए फॉर ए का साउंड जो है वो ए का एक एक ही साउंड दे रहा है बी ए ही साउंड दे रहा है बा का ए ए की साउंड दे रहा है अलिफ वाला ऐसे नहीं होता फोनेटिक्स में वो उनकी डीप स्टडी करते हैं साउंडस की और उसमें वो बताते हैं कि एक लेटर एक अल्फ़ाबेट बहुत सारे साउंड्स देता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ए से हम आ का ए का ए का और आ और ओ का साउंड्स देते हैं ठीक है अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल्स आल ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन द सेम वॉवल साउंड ही बिलीव ली सेजर की एम्बॉय लॉडली मशीन पिपल एंड सी अब देखें इसमें साउंड आ रहे हैं हमारे पास सब में देख लेते हैं डिफरेंट बिलीव ली ई का साउंड यहाँ पे आ रहा है एल का आ रहा है सेजर की अमोया loudly, machine, people and see, ठीक है अब ये टोटली डिफरेंट है सब में ई अगर आ रहा है तो ई वाले साउंड अगर हम देखें तो बिलीव ई लास्ट में आ रहा है इसको बिलीव ई क्यों नहीं पढ़े जब हम इसको ली पढ़ रहे हैं तो ठीक है ये होता है सीज़र है तो यहाँ पर ए क्यों आ रहा है सीजर में हम ई का साउंड ए का साउंड क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं सीज़र में की है तो इसमें हम वाई को भी देख रहे हैं के ई वाई की ठीक है वाई क्यों है फिर इसमें और इसमें है एमोबी ओम सॉरी एमोबा एमोबा में ई e जो है वो साउंड है प्रोड्यूस नहीं हो रहा और इसी तरह मशीन में ई e लास्ट में है तो ई e का साउंड क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा मशीन में पीपल है पीपल में ई e का साउंड लास्ट में क्यों नहीं हो रहा और इसी तरह सी में सी जो है वो उसमें लास्ट में ए है तो वो प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा हम ये सब डिस्कस करेंगे अब हम इसके एग्जाम्पल्स में सम प्रॉब्लम्स विद इन ऑर्डनरी स्पेलिंग्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हमें ऑर्डनरी स्पेलिंग्स में ही नजर आती हैं द सेम साउंड में भी रिप्रेजेंटेड बाई मैनी लेटर्स और कम्बिनेशन ऑफ लेटर यानी एक ही साउंड आप देखें डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स के साथ तो वो किस तरह से चेंज हो जाता है ही ठीक है लास्ट में ई e आ रहा है तो ही पढ़ रहे हैं ई का साउंड लास्ट में दे रहे हैं अब यहाँ पे ई e है तो लास्ट में ई e का साउंड क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे अगर वाई है तो फिर लास्ट में ई e का साउंड क्यों है बिलीव में ई e का साउंड है लास्ट में तो इसको ई e का साउंड लास्ट में क्यों नहीं दे रहे सीज में क्यों नहीं दे रहे मशीन में क्यों नहीं दे रहे और सीजर में ए को क्यों ऐड कर दिया है जबकि साउंड इसका चेंज हो जाता है अच्छा यहाँ पे ये यह वर्ड है कैसर सीस सी अमो द सेम लेटर्स में रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ साउंड्स फर्दर विलेज बैडली मेड मैनी अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ए के साथ हम डिफरेंट साउंड नीचे देख रहे हैं ऊपर हम यू का देख रहे हैं फर्दर अच्छा फर्दर और विलेज सॉरी फादर है ये वर्ड ठीक है फादर एंड विलेज हम फादर में जब ए डाल रहे हैं तो हम पढ़ते हैं फादर आ का साउंड आता है लेकिन जब हम विलेज में ए डाल रहे हैं तो हम विलेज क्यों पढ़ रहे हैं हम विलाज क्यों नहीं पढ़ रहे तो ये वाले यहाँ पे साउंडस की आ जाती है कि हम साउंड्स को स्पेसिफिक कर देते हैं ठीक है अगले साउंड के साथ अब बैडली है बैडली में ए के साउंड को हम ए के साथ पढ़े यानी बैडली अब मेड में हम मैड क्यों नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम डी के बाद ई है यहाँ पे तो हम इसलिए मेड पढ़ेंगे अब मैनी मैनी क्यों नहीं पढ़ रहे है? इसको मैनी पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे स्पेलिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है नेक्स्ट देखें अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स में रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड अब ऐसे साउंड्स भी हैं जो सिंगल साउंड ही देते हैं उनके स्पेलिंग्स बेशक ज़्यादा हों शूट करेक्टर थॉमस आइदर फिज़िक्स रफ डील कोट ठीक है ये साउंड्स जो हैं वो सिंगल ही हैं इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट में देखें सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स अब कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स आ गया है जीरोक्स ठीक है जीरोक्स और सम लेटर्स इन अ वर्ड में नॉट बी प्रोनाउंसड एट ऑल ऑल्टम अब कुछ साउंड्स वो कहते हैं कि ऐसे होते हैं जिनको प्रोड्यूस किया ही नहीं जाता वो साइलेंट होते हैं ठीक है मे नॉट बी प्रोनाउंसड अब वो साउंड जो साइलेंट हैं वो कौन से यहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन भी कर दी हैं ऑटम हाँ जी हम देखें ऑटम में हम हमेशा बताते हैं जो ऑटम का सीज़न होता है उसमें हम एन लाजमी राइट कर रहे होते हैं ना लास्ट में ऑटम में तो वो एन प्रोड्यूस तो नहीं होता हम हाँ उसको प्रोनाउंस तो नहीं करते हम हाँ उसको जस्ट ऑटम बोलते हैं अगर हम देखें तो उसकी ऑटमन एम एन आ रहा है ना तो हम उसको ऑटम बोलते हैं अच्छा अब यहाँ पे डब्ल्यू और स्वाड है sword बोलते हैं तो डब्ल्यू ओ जो है वो साइलेंट हो जाता है sword ठीक है अब यहां पर है रिजाइन रिजाइन में जी जो है वो साइलेंट हो जाता है अब यहां पर है पेरोडेक्टल ठीक है अब इसमें टी साइलेंट है पेरोडक्टल में रिजाइन में जी साइलेंट है स्वॉर्ट में डब्ल्यू साइलेंट है ऑटम में एन साइलेंट है लम इसमें बी साइलेंट है और ये क्या वर्ड है कॉप्स स्कॉर्स आई थिंक ये वर्ड और इसमें पी साइलेंट है साइकोलॉजी में पी साइलेंट है राइट right में डब्ल्यू साइलेंट है नॉट में के साइलेंट है इस तरह से ठीक है अब हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिसमें कोई वर्ड साइलेंट होता है वो हमें पता चलता है कि इससे पहले हम कौन से वर्ड्स को या इनके बाद हम कौन से वर्ड्स को वॉवल और एज आ कन्जोरेंट्स यूज़ कर रहे हैं देयर मे बी नॉट लेटर टू रिप्रेजेंट शुड डैट अकर्ज इन अ वर्ल्ड क्यूट एंड यूज़ अब देखें इसमें यू आ रहा है लेकिन हम इसको टोटली चेंज साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यूट यूज़ इसी तरह से हम देख लेते हैं

आई पी ए यानी इंटरनेशनल फ़ोनेटिक्स अल्फाबेट्स अब वो नीचे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा फ़ोनेटिक अल्फाबेट्स फॉर इंग्लिश प्रोनासीशन वो हम देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाएगा इसका पी से अगर हम देखें साउंड आ रहा है हमारा पिल बिल मिल एफ से फील आप देखें ऐप से फिल भी हो सकता है बहुत सारे साउंड्स होंगे ना जो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि हाँ बन सकते हैं ये भी बन सकते हैं पी से अगर आप पिल देख रहे हैं तो पी से आप पील भी देख सकते हैं यानी उसको आप शॉर्ट वावल एंड लॉन्ग वावल में भी ऐड कर सकते हैं आई जो है वो वावल है पिल ये शॉर्ट वावल है अगर हम डबल ई कर देते हैं तो वो लॉन्ग वावल बन जाएगा पील ठीक है पी डबल ई एल पील बिल बेल ठीक है यानी ज़मानत बेल या गांठ तो वो बेल लॉन्ग वावल है मिल मील लॉन्ग वावल यानी शॉर्ट वावल्स एंड लॉन्ग वावल्स का कंसेप्ट भी आपको इन्हीं में से ही मिल जाएगा वेल एंड वील थिंग दाए ये साउंड्स हैं डिफरेंट ठीक है ये कौन से साउंड्स हैं अच्छा ये थ का साउंड है टी एच वाला ये डिफ़रेंट साउंड्स हैं यहाँ पर ये आप लोगों का जो है वो एक आप असाइनमेंट के लिए ही समझ लें कि आप लोग इसको जो है वो ख़ुद से बताएंगे कि ये साउंड्स कौन कौन से हैं जो इनके सिंबल्स बने हैं ये क्या साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ये आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा ठीक है आपने ये बताना है ये आपका ऐसा होमवर्क समझ लें या एक असाइनमेंट समझ लें कि आप इसको जो है वो देखेंगे अच्छी तरह से कि ये जो साउंडस इनके आगे आगे मेंशन किए हुए हैं तो ये साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये क्या साउंड है इंग्लिश में टोटल जो है वो साउंड्स हैं हमारे पास यानी अल्फाबेट्स हैं ट्वेंटी सिक्स जबकि फोनेटिक्स में 44 फोर साउंडस हैं फोनेटिक्स में ठीक है अल्फाबेट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको डिस्कस करना है इन नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे अलाफ़